Good morning my dear students and faculty members uh, who are watching this channel and this video. Myself Dr. K. C. Soni, Associate Professor in Geology, uh, Government Lohia PG College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. Uh, in the lecture series of Entomology, uh, today I will deliver my talk on the classification ऑर्डर हेमिप्टेरा जैसा कि आप सभी को पता है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के द्वारा एंटोमोलॉजी की एक स्पेशल लेक्चर सीरीज आयोजित की जा रही है और आज की इस व्याख्यान वाला में ऑर्डर हेमिप्टेरा के क्लासिफिकेशन पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। हेमिप्टेरा का अर्थ क्या है हेमिप्टेरा के सामान्य फीचर्स कौन कौन से हैं इसके अंदर कौन कौन से सब डिविजन्स हैं कौन कौन से सब ऑर्डर्स हैं और कौन कौन सी इसके अंदर फैमिलीज हैं उनके मुख्य मुख्य एग्जाम्पल जो अपने एरिया के संदर्भ में जो इंसेक्ट अवेलेबल है उनको ध्यान में रखते हुए ये व्याख्यान मैंने तैयार किया है, है क्लासिफिकेशन में काफी तरह के वेरिएशंस अलग अलग बुक्स में देखने को मिलती है रिचार्ड डेविस के सेकेंड वॉल्यूम में देखते हैं तो Uh, काफी डिटेल है इसमें एम एस मनी की बुक है उसमें अलग तरह का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है गिलट की बुक में अलग तरह का दिया हुआ है रोमोजर की बुक में अलग तरह का दिया हुआ है तो इस ऑर्डर के क्लासिफिकेशन में काफी विभिन्नताएं हैं काफी वेरिएशंस हैं लेकिन यहाँ मैं जो क्लासिफिकेशन डील कर रहा हूँ ये स्टोफोलिनो और रोमोजर की बुक है एंटोमोलॉजी uh, उस किताब को मैंने फॉलो किया है तो आप एग्जाम में जब भी इस क्वेश्चन का आंसर लिखे तो लास्ट में रेफरेंस बुक का नाम जरूर लिखे दिस आंसर इज असोटेड फ्रॉम द एंटोमोलॉजी बुक रिटर्न बाई डब्ल्यूएस एस क्लास इंसेक्टा में टेरिगोटा टेरिगोटा को मेटाबोला भी बोलते हैं और टेरिगोटा में फिर दो पार्ट्स हैं एक्सोटेरिकोटा और एंडोटेरिकोटा एक्सोटेरिकोटा के अंदर ये ऑर्डर आता है हेमिप्टेरा हेमिप्टेरा के जो मुख्य लक्षण हैं हेमी है हेमी है मींस वन हाफ टेरा मींस विंग यानी आधे विंग ऐसा लगता है जैसे आधे विंग है वो थोड़ा पारदर्शी है ऑपेक टाइप के आधा पंख है वो मान लीजिए पारदर्शी है तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती है उसको है टेरा के नाम से जाना जाता है इस ऑर्डर में जो मुख्य एग्जाम्पल्स है उसमें ट्रूबर्स एफिड्स, वाइट फ्लाई स्केल इंसेक्ट्स इनको इंक्लूड किया गया है हाँ, इस ऑर्डर के जो सैलियंट फीचर्स है उसमें बॉडी माइन्यूट टू वेरी लार्ज माउथ पार्ट्स पर्सिंग एंड सकिंग टाइप इज फ्रॉम एंटीरियर ऑफ द हेड लेबियल सीत की उत्पत्ति हेड के अग्रभाग से होती है आईज एंड ओसिलई वेल डेवलप्ड कंपाउंड आई कंपाउंड आई वेल डेवलप्ड होती है ओसिलई टू और नन ओसिलई या सिंपल आई की संख्या दो होती है अथवा एबसेंट होती है एंटीनडी कंपेरिटिवली लॉन्गर एंड फोर और फाइव सेगमेंटेड एंटीना प्राय लंबी होती है और चार अथवा पांच खंडों की बनी होती है टू पेयर पंख दो जोड़ी होते हैं हेल्ड हॉर्जेंटली और एबडोम में विश्राम पूरे एबन पे हॉर्जेंटली वो ढके रहते हैं फॉर विंग्रा अगर पंख होते हैं वो हैमी एलिट्रा के नाम से जाने जाते हैं पंख है वो ऑपेक है आधा पंख है वो ट्रांसफ्रेंट है ब्रेकाइपटेर uh, ब्रेकाइमी छोटे पंखों वाले जो इंसेक्ट होते हैं एंड सम आर विंगले कुछ इंसेक्ट है वो पंख विहीन भी, भी होता है लेग्स टू और थ्री सेगमेंटे टारसाई एंड वेरिएबल टाई टांगों में टारसाई है वो दो अथवा तीन सेगमेंट वाली होती है और अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग प्रकार की टांगे देखने को मिलती है थोरेक्स स्मॉल एंड वाइट थोरेक्स है छोटा होता है लेकिन चौड़ा होता है इन एबडमन सरसाई इज लैकिंग एवडामन में सरसाई एबसेंट होती है सरकाई है एक तरह से ये कांटिन व रचनाई होती है जो एबडामन के पॉजिटिव पार्ट्स में निकली रहती है एक तरह के ये स्पर्श संवेदी रचनाओं के रूप में भी जैसे काम करती है और गोने का भी ये मेन पार्ट है आ, ये इस फिगर में जैसे कंसोलिडेटेड फिगर्स है इस ऑर्डर के जो मेन मेन इंसे, इंसेक्ट है उनका आ, सभी का इसके अंदर जैसे फिगर दिखाया इसमें। तो बगस है इसमें मेनली जो बग्स है बग्स के जैसे फिगर है Uh, को फिर दो ग्रुप में जस्ट डिवाइड किया गया है होमोप्टेरा और हिटोप्टेरा इन दोनों में बॉडी uh, है. Uh, है वो भी माइन्यू टू लार्ज होती है होमोपटेरा में माउथ पार्टिंग और सकिंग प्रकार के होते हैं लेबिलइ मोर पोस्टीरियर पोस्टीरियर होती है और हिटोप्टेरा के अंदर माउथ पार्ट्स हैं हैं। और सकिंग टाइप के होते हैं। होती है आईज एंड यूजुअली यूजेंट ओसिलाई टू और थ्री हिटोप्टेरा में कंपाउंड आई वेल डेवलप्ड होती है ओसिलाई दो अथवा एबसेंट होती है एंटीना फिलीफॉर्म तथा ब्रिसल्स के समान होती है इसमें एंटीना फोर टू फाइव सेगमेंटेड होती है विंग्स टू पेयर है यूनिफॉर्म इन texture, यानी ऐसा नहीं है कि आधा पंख पारदर्शी है आधा पारदर्शी है पूरे पंख की जो बनावट है टेक्सचर है वो एक जैसी होती है इसलिए इसको होमोप्टेरा में रखा है होमोमिट equal, हेल्ड रूफ लाइक over बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में पूरी बॉडी के ऊपर है एक हॉर्जेंटल पोर्शन में ये प्रजेंट होते हैं एबसेंट इन समेक्ट कुछ इंसेक्ट में विंग्स है वो एब्सेंट होते हैं जबकि हिट में यूजली टू पेयर्स विंग्स आर अनुल पंख है वो एस वन होते हैं उसका हेमी इलेक्ट्रो के रूप में होते हैं इन्होम लेग्स वेरिएबल वन टू थ्री सेगमेंट तारसाई टारीन सेगमेंट एट तक होती है और इसके अंदर टांगे है वो वेरिएबल है तारसाई दो अथवा तीन सेगमेंट एट वाली होती है थोरेक्स ब्रॉड विथ लेस्ट हाइट थोरैक्स है वो चोड़ा होता है थोरक्स की ऊंचाई जो है हाइट है वो कम होती है और हिटोप्टेरा में थोरेक्स वेल डेवलप्ड डिमार्केटेड फ्रॉम एबन से थोड़ा ये डिमार्केटेड होता है होता होता है, होता है। है है। सरसाई सरसाई इस और इसमें भी सरसाई जो है वो होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है होमोप्टेरा और में। अब कुछ बुक्स में होमोप्टेरा को ऑर्डर के रूप में भी इंक्लूड किया गया है तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है अलग अलग किस बात बुक को आप फॉलो कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन कर रहा है तो मैं ये जो मेरा व्याख्यान है ये दो ग्रुप में जैसे डिवाइड करूंगा होमोप्टेरा में अलग और हिटोपटेरा अलग क्योंकि हिटोपटेरा अगला ही है उसकी कम से कम है तीस स्लाइड है बीस लाइड कम से कम इसकी है तो होमोप्टेरा में पहले डील करूंगा और हिटोपटेरा फिर अगले व्याख्यान में मैं आपको डिलीवर करूंगा तो फर्स्ट ग्रुप इज होमोप्टेरा होमोप्टेरा uh, के अंदर ये तीन सब ऑर्डर्स दिखाए गए हैं कोलियोरिंका ओकेनो का और स्टर्नोरिंका कोलियोरिंका में एक फैमिली है पेलोरिटी टी का के अंदर पांच फैमिली है जेसीडी मेम्ब्रेसीडी, डी डेल्फे सी और सीकेडीडी। रिंका के अंदर आठ फैमिलीज हैं साइलेडीडी एल्यूरोडी कैरीडी, स्यूडोकॉक्सीडी, कॉक्सीडी और डायसपी इन सभी फैमिलीज के सैलेंट फीचर्स और उनके एक एक एग्जाम्पल विथ फोटोग्राफ्स मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट सब ऑर्डर सिलोरिंका सिलोरिंका में फर्स्ट फैमिली है पेलोरी इसके साइलेंट फीचर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड इन चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया इस फैमिली के जो इंसेक्ट है चाइना और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉट रिकॉर्डेड इन इंडिया भारत में इसके जो एग्जाम्पल हैं वो रिकॉर्डेड नहीं है स्मॉल इन साइज आकार में छोटे होते हैं कॉमनली कॉल्ड एज मॉस बक्स बिकॉज दे फीड ऑन मॉश सामान्य रूप से इनको मौस के नाम से जाना जाता है क्योंकि मॉस के ऊपर ये मॉस को अपने भोजन के रूप में ये फीड करते हैं मॉश है ये एक तरह के एफिफाइट्स होते हैं एक तरह के प्लांट्स हैं और उन प्लांट्स को ये भोजन के रूप में ये घंट करते हैं इसका मेन एग्जाम्पल है जैसे जीनोफाइस रैकिलोफस ये इसका जैसे फिगर दिखाया है बहुत ही छोटे आकार का इंसेक्ट होता है लेकिन आजकल कैमरों की फैसिलिटी बहुत बढ़िया है कैमरों में मैक्रो लेंस लगा के उनकी माइक्रो फोटोग्राफी कर सकते हो इसमें फर्स्ट फैमिली है जेसीडी जेसीडी के मुख्य लक्षण प्रोनोटम नॉट प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए हुआ प्रोनोटम जो होता है वो पीछे की तरफ एक हुट के रूप में एब्डोमन के हुड के रूप में वो प्रोट्यूड नहीं होता है हिंड लेग्स विथ डबल रो ऑफ स्पाइन टांगों में दो जोड़ी कांटों की पंक्तियां पाई जाती है वेरी एक्टिव ये इंसेक्ट काफी एक्टिव होते हैं पेस्ट ऑफ क्रॉप है, है फसलों के ऊपर ये पेस्ट के रूप में पाए जाते हैं एंड ट्रांसमिट डिजीज कुछ इंसेक्ट है वो वेक्टर का भी काम करते हैं डिजीज के संचरण का संक्रमण का भी ये काम करते हैं इसके मेन एग्जैपल है मैंगो लीफो पर तो मैंगो के जो प्लांट होते हैं आम के जो प्लांट होते हैं उन पर ये जनरली इंसेक्ट जो है वो पाए जाते हैं और आम जो आम जो होते हैं उनको इन्फेक्ट कर देते हैं कई बार आपने देखा होगा आप मार्केट में पीले रंग के जो आम आते हैं उनको काटते हैं तो उसके अंदर मक्खियां निकलती है छोट छोटे छोटे उनके अंडे निकलते हैं तो ये अंडे इन्हीं इंसेक्ट के इन्फेक्शन के कारण होते हैं ये फिगर आप देख लो ये फिगर मैंगोलीफोपर का जैसे यहां पर दिखाया है सेकंड फैमिली मेंबर सीडी हां इसके मुख्य लक्षण में हेड मॉडिफाइड हेड है वो रूपांतरित हो जाता है जीनी बीइंग नॉट डायलेटेड जीनी है वो विस्तारित नहीं होती है डायलेटेड नहीं होती है क्राउन ऑलमोस्ट वर्टिकल एंड फेस हॉरिजॉन्टल क्राउन ये जो शिखर दिखाया ये वर्टिकल होता है उद्दगर प्रकार का और माउथ जो है वो हॉर्जेंटल प्रकार का होता है प्रोनोटम इलांगेटेड बियरिंग स्पाइन लाइक प्रोनोटम यानी थोरक्स में जैसे तीन सेगमेंट है प्रोथोरक्स मीजो थोरेक्स, थोरेक्स, और डोर्सल सरफेस का जो स्क्लाइट होता, होता है उसको टर्गम बोलते हैं लेकिन थोरक्स में जो टर्गम होता है उसको नोटम के नाम से भी जाना जाता है तो प्रोथोरक्स का टर्गम है वो प्रोनोटम हो गया मीजोथोरक्स का मीजोनोटम मेटाथोरस का मेटानोटम तो प्रोथोरस का जो तरगम होता है वो ऊपर कांटे के रूप में निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन इस चित्र में आप देख लो ये एक उभार जैसी रचना है प्रो कॉनिकल से तो ये एक्चुअल में प्रोथोरस का तरगम है अडल्ट सीक्रेट हनी ट्यू फ्रॉम द एनस अडल्ट सेक्ट में एनएस के द्वारा हनी ड्यू यानी शहद के जैसी बूंदे जो होती है वो इसके द्वारा श्रावित होती है Uh, इसके मेन एग्जाम्पल है ट्री uh, हॉपर्स uh, ये जो फिगर है ये ट्री uh, हॉपर्स का जैसे दिखाया है नेक्स्ट विंग्स रेटिकुलेट सिस्टम सुपर न्यूमिनरी वेन्स एंड क्रॉस वेन्स पंख जो होते हैं वो जाली का वक्त होते हैं और पंखों के अंदर सुपर न्यूमिनरी वेन्स पाई जाती है क्रॉस सीराए भी पाई जाती है क्रॉस सिरा वो होती है जो वर्टिकल वेन को या लॉन्गिटूडन वेन को आपस में जोड़ने का काम करती है इनकम्प्लीट पोस्टर अधूरा होता है प्रोबोसिस लाइक प्रोजेक्शन ऑफ हेड हेड में सूंड के समान तुंड के समान प्रोबोसिस जो है वो निकला हुआ रहता है इसके एग्जाम्पल है शुगर कैन लीफ हॉपर, गन्ने के जो पौधे होते हैं उसमें इनका मेन इन्फेक्शन होता है शुगर तो कैन लीफ ऑफर ये जैसे गन्ना दिखाया शुगर कैन और शुगर कैन में इस इंसेक्ट का जो है इंफेक्शन होता है टीबिया विद लार्ज जो टांगे होती है उसके अंदर स्पर बड़ा होता है ओविपोस्टर कॉम्प्लेक्स पोस्टर यानी इसके जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है जो फीमेल के वो जटिल प्रकार के होते हैं मेल विथ लार्ज एडिकस नर के अंदर जो एडिकस uh, या पेनिस के समान जो रचना होती है uh, वो बड़े आकार की होती है एंड दे आर नोटोरियस पेस्ट तो फसलों के ये एक तरह से आक्रामक पेस्ट होते हैं और लाखों की संख्या में फसलों के ऊपर ये इन्फेक्शन करते हैं एग्जाम्पल है शुगर कैन लीफो पर तो ये जो इंसेक्ट है ये भी गन्ने की जो खेती होती है गन्ने की फसलों को ये बर्बाद कर देते हैं तो लीफ़ का ये आ, फिगर जैसे यहां पर दिखाया है के uh, में है एक तरह का ये है, uh, head का ये अंदर वर्टेक्स होती है frons होती है और frons है फ्रॉन्टल से लिया है तो हेड के एरिया में जो प्लेट है उसको फ्रांस के नाम से जाना जाता है ऑसिलाई थ्री सिलाई तीन होती है विंग्स ट्रांसपेरेंट विंग, विंग पारदर्शी होते हैं इस फिगर में आप देख रहे हो ये पंख जो है ट्रांसपेरेंट है टेगोली एबसेंट विंग्स विथ एम्बियट वेन पंखों में, में एम्बियंट सिलाई पाई जाती है फर्स्ट एनल एंड सेकेंड एनल डो नॉट फॉर्मिंग वाई वेद फर्स्ट एनल और सेकेंड एनल इन दोनों के द्वारा बाईफर्केशन नहीं होता है वाई के आकार की सिचुएशन शिच्च डेवलप नहीं होती है फोर्डलेग विथ एन लार्ज फीवर अग्र टांगों में फीमर जो होती है वो बड़े आकार की होती है legs elongate एंड स्लेंडर पश्च टांगे हैं वो लंबी होती है बेलनाकार होती है मेल विथ टिम्बल ऑर्गेन्स नर के अंदर टिम्बल ऑर्गेंस पाए जाते हैं टिम्बल ऑर्गेन है ये एक तरह से ध्वनि उत्पन्न करने वाले रच, रचनाएं होती है साउंड प्रोड्यूसिंग organs हैं और सिकाडा है ये साउंड प्रोडक्शंस के लिए बहुत फेमस है अपने एरिया में इसको भीमरी भी बोलते हैं तो शाम के समय आप यदि खेतों में जैसे घूमने जाओ खुले मैदान में, में घूमने जाओ है तो आपको बहुत हाई वाइब्रेशन की ध्वनि है उस देती है इसको भीमरी के नाम से जाना जाता है एग्जाम्पल मैगी सिकाडा तो सिकाडा ये एनिमल है साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन के लिए फेमस है नेक्स्ट सब ऑर्डर फिर स्टर्नो रिंग का इसके अंदर ये कुछ सुपर फैमिलीज भी हैं, सिलोइडिया एलोरोडोइिया एफिडोइडिया कॉक्सोइडिया और सूटेबिलिटी के लिए आठ फैमिलीज है उसको मैं यहां पर वर्णित कर रहा हूं सुपर फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहा हूं इन सुपर फैमिलीज के अंदर जो फैमिलीज है उसका मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं फर्स्ट फैमिली साइली साइलिटी, इनमें माउथ पार्ट छोटा होता है एंटीना दस सेगमेंट की होती है ए प्रोमिनेंट वेन प्रजेंट एट बेस पंखों के आधारीय भाग में प्रोमिनेंट सीरा पाई जाती है विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ रेडियस मीडियस एंड क्यूबिटस तो ये जो सीरा है इसका निर्माण रेडियस वेन मीडिया वेन और क्यूबिटस वेन के फ्यूजन से होता है क्रॉस मैन इसमें एबसेंट होती है क्रॉस सिरा नहीं पाई जाती है फीमर थीकंड फॉर हेल्पिंग इन टैपकिंग लीफ फीमर जो होती है वो मोटी होती है मजबूत होती है और फीमर मजबूत होती है तो इन इंसेक्ट को जंप लगाने में छंगलांग लगाने में इसमें हेल्प मिलती है और इसके मेन एग्जाम्पल है जैसे जंपिंग प्लांट लाइस तो प्लांट लाइस है और जंप लगाती है ये जंपिंग लाइस का जैसे डायग्राम है यहाँ पर नेक्स्ट फैमिली एल्यूरो डीडी हा इनके माउथ पार्ट्स दोनों सेक्स में पाए जाते हैं माउथ पार्ट्स फंक्शनल इन बोथ सेक्सेस हा एंटीना विथ सेवन सेगमेंट्स एंटीना में सात सेगमेंट्स पाए जाते हैं विंग्स दो जोड़ी होते हैं ओपेक होते हैं सफेद रंग के होते हैं वेनेशन मस्ट रिड्यूस्ड विंग वेनेशन हासित होता है लेग्स लॉन्ग एंड स्लेंडर टांगे लंबी होती है बेलनाकार होती है टारसाई टू सेगमेंटेड टारसाई में दो सेगमेंट्स पाए जाते हैं ट्यूनएस के द्वारा हनी ट्यू का श्राव करते हैं इसके मेन एग्जाम्पल है व्हाइट फ्लाइश नेक्स्ट फैमिली एफिडोइडी हा माउथ पार्ट्स इन बोथ सेक्सेस यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है

कॉर्निकल प्रोड्यूस वैक्सी material. कॉर्निकल के द्वारा मोम के समान जो पदार्थ है उसका secretion होता है हनी ड्यू इज सिक्रिटेड बाई एनस एनएस के द्वारा हनी ड्यू का सा होता है और इसका एग्जाम्पल है aphids. Uh, इसको अपने यहाँ चेपा के नाम से भी जाना जाता है और विशेषकर फरवरी के मौसम में जब uh, सरसों की खेती है परवान पर होती है खेतों में पीले रंग के फ्लावर्स होते हैं uh, उसमें एफिड जो होते हैं काफी एक्टिव हो जाते हैं और आप यदि पीले रंग की शर्ट पहन के निकल गए मोटरसाइकिल पे साइकिल पे तो आपके शर्ट के ऊपर देखा हजारों की संख्या में छोटे छोटे इंसेक्ट हैं वो चिपक जाते हैं तो चिपकने की प्रवृति कारण इसको चेपा कहा जाता है और आंख में चश्मा नहीं लगाते हैं तो आंखों में इंसेक्ट हैं गिर जाते हैं और इनके ये जो सिक्रेशन कारण क्या होता है आंखों में इन्फेक्शन भी हो जाता है कई बार आई फ्लू जैसी घट सिचुएशन है वो भी इसके अंदर डेवलप हो जाती है नेक्स्ट फेमिलोटी बॉडी कवर्ड विशन शरीर है वो बॉम के समान, रहता है. पाई जाती है पेनी मोस्टली एंटायर पाई जाता है एग्जाम्पल कसन स्केल कसन मतलब गद्दा है जैसे स्पंज का जैसे गद्दा हो रूई का गद्दा हो ये इंसेक्ट आप देख रहे हो कसन स्केल और इसकी पूरी बॉडी देख रहे हो व्हाइटिस जैसे मखमल जैसी रचना जैसी लग रही है ये छोटे छोटे आप फाइबर्स देख रहे हो तो इसलिए इसको अपीयरेंस के कारण इसको कसन स्केल का नाम जैसे दिया हैल हाईली डिजेनरेट फीमेल है वो हाशित होती है बॉडी डिजनरेट हो जाती है विथ वेस्टिजियल एंटीना इटिन है बहुत ही अवशेषी प्रकार की है बहुत छोटे आकार की है नो लेग्स टांगे नहीं पाई जाती है शेप एंड साइज वेरिएबल आकार और आकृति परिवर्तनशील होती है मेल डिप्टेरस पंख जो होते हैं वो दो पंख वाले होते हैं बॉडी एनक्लोज्ड इन रेजिनस सेल्स शरीर है वो रेजिन युक्त कोष्टक के द्वारा ढका रहता है एग्जांपल लाख इंसेक्ट तो लाख प्रोडक्शन के जो इंसेक्ट है ल्यूसीफर लेका क्योंकि भारत में लाख इंडस्ट्री है वो भी करोड़ों रुपए का कारोबार है पूरे भारत में आ, अपने राजस्थान में भी बांसवाड़ा जैसे एरिया है डूंगरपोरी एरिया है आदिवासी एरिया है यहां पर आ, खेतों में लाख का प्रोडक्शन होता है तो छोटे कुटीर उद्योग में भी इन इंसेक्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है नेक्स्ट फैमिली सूडो कॉक्सीडी फीमेल एलोंगेट फीमेल है लंबी होती है ओवल अंडाकार होती है कवर्ड विथ वैक्सी सिक्रेशन मोम के समान श्राव के द्वारा ये ढकी रहती है लेग्स वेल डेवलप्ड टांगे विकसित होती है एंटीनी लैश एंटीना है वो छोटी होती है कम विकसित होती है एग्जाम्पल इज मिली बग्स ये छोटे छोटे बग्स दिखाएं और वेलवेट टाइप के होते हैं बहुत ही सूक्ष्म जैसे मखमल का जैसे आवरण हो दिखने में उस तरह के इंसेक्ट दिखाई देते हैं नेक्स्ट फेमिली डी टी फीमेल स्पेशन के अंदर एंटीना अनुपस्थित होती है बॉडी कवर्ड विथ हार्ड वैक्सी स्केल्स शरीर के ऊपर वैक्सी शल्क जो होते हैं पाए जाते हैं रेड कलर्ड लाल रंग के होते हैं एग्जाम्पल आर्मर्ड स्केमर बोलते हैं एक तरह से जैसे शील्ड हो कोई ढाल जैसी स्ट्रक्चर हो तो इन इंसेक्ट में आप देख रहे हो रेड कलर में इनकी बॉडी है और रेड कलर की है और पूरी बॉडी कवर ये ढाल के समान कोई कवच कावरण जैसे इसके अंदर प्रजेंट है तो बहुत ही संक्षेप में ऑर्डर और, और इसका सेकंड पार्ट है ही वो थोड़ा लेंदी है और समय अभाव के कारण मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रहा हूं तो अगले व्याख्यान में मैं हिटॉक आपसे चर्चा करूँगा और इसी के साथ में आप सभी को मेरी तरफ से हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी को धन्यवाद आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू हाईली थैंकफुल टू यू हैव ए गुड डे है ग्रेट डे थैंक यू वेरी मच